हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अन अकेडमी के टीचिंग ज्ञान पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ। जनरल साइंस में हम लोग दोस्तों आज देखने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड सवालों को। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे, सेशन को आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवालों को। दोस्तों, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ज्ञान प्रकाश झा मेरा नाम है। आप हमें अनअकैडमी के ऐप पर फॉलो कर लेंगे ताकि अनअकैडमी के ऐप पर मेरी क्लास मिलती है आपको कितने बजे? एट 1 PM। दोस्तों, 1 PM पे हम लोग कल तो हम लोग देखेंगे TGT बायोलॉजी, है ना। लेकिन परसों आपकी अनअकैडमी के ऐप पर दो क्लास होगी। एक तो होगी 1 PM पर, जिसमें हम लोग साइंस के अंदर न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस देखेंगे। न्यूट्रिशन के अंदर जैसे पूरा हमारा कल जो है न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक यूट्यूब पर 11 बजे जो क्लास होती है उसमें। तो हम लोग यहाँ पर परसों 1 बजे साइंस में न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस देखेंगे और आपकी 3 बजे यानी 3 PM पर आपकी जो क्लास होगी इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। परसों यानी परसों आपकी अनअकैडमी के ऐप पर 2 क्लास होगी। और आप मेरी फ्री क्लासेस को, जो स्पेशल क्लासेस जैसे हम बोलते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, उसे देखने के लिए आप इस अनलॉक कोड का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो यूट्यूब क्लासेस अब 2 चैनल पर हो रही है, सी टेट, यू पी टेट और एस टेट से रिलेटेड जो क्लास है वो आपकी हेलो टीचर्स पर होती है, जबकि DSSSB, KVS, NVS, सुपर टेट इससे रिलेटेड जो क्लास है आपकी, ये कहाँ पर? टीचिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हो रही है। आप हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं जिसमें कंप्लीट सिलेबस मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, PDF नोट्स और डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। आपको सभी कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिलता है, एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है लाइव, आपको PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। आप दोस्तों अनअकैडमी के बैच कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। जैसे CTET 2021 का एक कंप्लीट बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है 14 अगस्त से, जिसमें ये फैकल्टीज हैं, डिफरेंट फैकल्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए गाइड कर रहे हैं। इसकी प्राइसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 मंथ के लिए, इंटर्न मंथ के लिए काफ़ी कम रखी गई है। और यहाँ पर ये कोड यूज़ करने के बाद आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप DSSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसके सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस ये है। यहाँ पर आप या तो 12 या 24 मंथ, कोई भी आप एक ऑप्ट करेंगे एंड ये कोड यूज़ कर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। एक बक्स बाउंटी है दोस्तों, अगर कोई भी अनअकैडमी के किसी भी वीडियो में अगर आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है, इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है और अगर आप पहले होते हैं उसको रिपोर्ट करने वाले, तो आपको अनअकैडमी की ओर से प्राइज भी दिया जा सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं अगर किसी में आपको इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है। UPTET के नए पैटर्न पर आधारित बैच स्टार्ट हो गया है यूट्यूब पर आपका 12 अगस्त, जिसमें यह टाइमिंग दी गई है अलग अलग फैकल्टीज की, जिसमें कि आपको साइंस की क्लास मिलती है कब? 11 बजे सुबह, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो योगेश जी, आशीष जी, फॉरएवर जी, चलिए चंदन जी, चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। न्यूमेरिकल्स नहीं है, है ना। आज की क्लास में मतलब 30 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन है पहेली वॉन्ट्स टू नो अबाउट हीट, यानी पहेली जो है ये हीट के बारे में जानना चाहती है कि हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ए टाइप ऑफ मैटर, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, ए फॉर्म ऑफ फायर। बताइए कि जो हीट है, हीट क्या होता है, ये आपको पहेली को बताना है। हाँ जी बताएं। तो हीट क्या है दोस्तों? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट भी क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। और इसका भी दोस्तों SI यूनिट जो होता है ना, वो क्या होता है? दैट इज जूल। इसका भी SI यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। इस चीज को आप याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल, अगला प्रश्न, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ देन इट्स टोटल एनर्जी। जब कोई बॉडी अर्थ की ओर फ्रीली मतलब मुक्त रूप से गिर रही होती है, तो इसके टोटल एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? वो घटती है, वो बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, फिर रिमेंस कॉन्स्टेंट, या फिर नियत रहती है? बताना है आपने इसका क्या सही उत्तर होगा। और सेशन को सभी बच्चों ने शेयर भी करना है ना।
सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करें और लाइक भी करते रहिए। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, ये जो सवाल है, आपको पता है टोटल एनर्जी का मतलब क्या? टोटल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखो, अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है ना, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इन अनदर केस, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो उस दौरान आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है ना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? तो इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी जो है वो आपका हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग अगला सवाल है दोस्तों, अगला प्रश्न, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, यानी हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, हमारे शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, बताइए। तो देखिए, इसकी जब बात करते हैं तो आपको पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब अगर आपसे फारेनहाइट में पूछ दिया जाए तो 98.6 फारेनहाइट, अगर आपसे केल्विन में पूछते हैं तो 310 केल्विन। ठीक है, बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, तो याद रखना है उसके लिए हमारे शरीर में एक, हमारे ब्रेन के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, और हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस उसका यूज करते हैं ना, हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों जिस थर्मामीटर का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या नाम होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर। मेरा प्रश्न आपसे यह है, व्हाट इज रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, आपको ये बताना है। हाँ जी बताइए, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, सबसे पहले जो थर्मामीटर को डेवलप किया था वो किसने, गैलीलियो ने सबसे पहले थर्मामीटर को डेवलप किया था, ये भी आपको याद रखना है। बताइए क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या रेंज होता है जिससे कि हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हाँ जी, अच्छा 35 to 45। ओके, बाकी बच्चे भी बताएं और सभी बच्चे सेशन को शेयर भी करें। ठीक है, हाँ जी बताइए सभी लोग। एक बच्चे ने 37 बता रहे हैं कुछ। वेरी गुड अवंतिका जी, आपने बिल्कुल सही बताया है, 35 to 42 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और यही आपके सवाल बनते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस याद रखना है आपने। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, कहा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे तक उष्मा का यानी कि हीट का प्रवाह होता है उसे कहते हैं। अच्छा, आज गर्मी ज्यादा है, कहां से हैं आप जो आपके इधर गर्मी ज्यादा है? हाँ बताइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वस्तु के गर्म सिरे से, देखो हाई टेम्परेचर से जब लो टेम्परेचर की तरफ हीट का, हमेशा हीट का ट्रांसफर जो होता है ना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक है, बट अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में रखा गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। और इसके द्वारा हीट ट्रांसफर किस में होता है, सॉलिड में। कन्वेक्शन के द्वारा किसमें, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। रेडिएशन के द्वारा दोस्तों वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, या मतलब जो आपका गैस में जो हीट ट्रांसफर होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, वो आपके रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा होता है। और यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे जो फास्टेस्ट मेथड है हीट ट्रांसफर का, यानी कि सबसे जो तेज प्रक्रिया है किसका, ऊष्मा के प्रवाह का, वो क्या है, विकिरण ही है। सन के मतलब, सन देखिए हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें हीट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, हीट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सन है ना। और सन से जो दोस्तों हीट अर्थ तक आता है ना, वो भी किस विधि के द्वारा, बाय द मेथड ऑफ रेडिएशन यानी विकिरण के विधि के द्वारा ही आता है। ठीक है, अच्छा
कानपुर में तो पॉल्यूशन भी बहुत है। मैं एक बार गया था कानपुर, मुझे याद है 2 साल पहले, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर है क्या? ऑप्शन ए, कंडक्शन इज़ द राइट आंसर। खैर, कानपुर के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा, कई बार यहाँ से सवाल बनता है। एक तो उसे लेदर सिटी बोलते हैं, है ना। दूसरी बात कानपुर के बारे में याद रखेंगे कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है वो कानपुर। कई बार ये सवाल आपसे बनता है। और बाकी नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अगले मुद्दे पर हम लोग चलते हैं, और ग्रीन पार्क स्टेडियम, ये भी कानपुर में है, ये भी आपसे सवाल पूछते हैं। अब हम बात करते हैं, सीमा इज इन अ हरी एंड वॉन्ट्स हर नूडल्स टू कूल डाउन फास्टर, है ना। आजकल के बच्चे जो होते हैं, मतलब खाना खाने में कोई लेट नहीं होना चाहिए, तुरंत नूडल्स उतारा और तुरंत उसको खाना शुरू। तो वो अपने नूडल्स को क्या करना चाह रही है? कूल करना चाह रही है। कौन? सीमा। तो वो अपने इस नूडल को किससे बने हुए प्लेट में रखे कि तुरंत ठंडा हो जाए? लकड़ी से बने हुए प्लेट में, पेपर से बने हुए प्लेट में, प्लास्टिक से बने हुए प्लेट में, या मेटल से बने हुए प्लेट में, बताइए। हाँ जी, सन से अर्थ तक पहुंचती है अच्छा, नो मीडियम रिक्वायर्ड, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है ना। चलिए, हम लोग जब बात करते हैं सीमा की, तो सीमा को नूडल खाना है, उसे तुरंत ठंडा करना है। तो बताओ यहां पर सबसे जल्दी, ये तो क्या है, इंसुलेटर है ना हीट का, ये भी इंसुलेटर, ये बैड कंडक्टर है ना। तो दोस्तों यहाँ पर गुड कंडक्टर हीट का कौन सा? मेटल। तो उसे मेटल के प्लेट में, जैसे स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में, या फिर कोई भी जो कापर के उसमें, सिल्वर के मतलब प्लेट में रख के उसको खाना, मतलब जब खाया जाएगा तो वो जल्दी क्या होगा? ठंडा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। हाँ जी, अगला सवाल है, ऑन ए फारेनहाइट स्केल, फारेनहाइट स्केल पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फारेनहाइट, द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू दैट ऑन द सेल्सियस स्केल 2-40 डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन द अपर फिक्स्ड पॉइंट एंड द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड टू 180 इक्वल पार्ट्स, या ऑल ऑफ द अप। कहा जा रहा है कि फारेनहाइट स्केल के बारे में आपको बताना है कि कौन सा, इसमें फारेनहाइट स्केल के बारे में। अच्छा बच्चे, मतलब क्या है, कितने तेज हैं, पूरा सवाल पढ़ा ही नहीं इन्होंने, मतलब सीधा देखा डी ऑप्शन, मतलब सीधा इसमें नजर जाता है डी पे, ऑल ऑफ द अब, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं, तो बिल्कुल 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अब ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है इन फारेनहाइट स्केल, कमेंट में बताइए आप लोग। -40 डिग्री पर बोथ आर इक्वल, बराबर है, और 180 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये भी बराबर, यानी कि करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अब, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सरकारी की तरफ बच्चे भाग रहे हैं आजकल, नहीं चाहे नौकरी हो या ऑप्शन हो, है ना, नौकरी में भी सरकारी चाहिए, ऑप्शन में भी सरकारी चाहिए, ठीक है। चलिए, इस मेरा सवाल ये है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कितना होता है? 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंड इन ए ऑब्जेक्ट, इन एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट, या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, बताइए। हाँ जी, चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं, तो याद रखना है जो आपका टेम्परेचर इज मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट इन इन ऑब्जेक्ट, नहीं बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, मतलब हमेशा नहीं होता है सही वो, है ना, बोथ आर करेक्ट ऐसा नहीं होगा। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ये इसका सही उत्तर है, है ना। तो बोथ वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़िए, है ना, इसके बाद आप लोग उत्तर दें। चलिए ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, आज ज्यादा ना थ्योरी के ही क्वेश्चन है, हाँ न्यूमेरिकल हम लोग अब कल करेंगे। कल का क्लास किस चीज का है? कल का आपका
वेब मोशन का है। कल हम लोग भी थोड़ा बहुत दो चार न्यूमेरिकल करेंगे, कल भी न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे। अब इसके बाद ना हम लोग क्या करेंगे इवनिंग में, जैसे ये हमारा फिजिक्स वाला कंप्लीट हो जाता है ना, अभी जूनियर सुपर टेट का जो आपका जूनियर एडेड है ना सुपर टेट, जिसमें साइंस है आपका, उसके लिए सोच रहा हूँ मैं कि अब उसका एग्ज़ाम का डेट आई थिंक अक्टूबर में डिक्लेयर होगा, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए ना कंप्लीट साइंस मैं एक बार फिर से कर दूँ शुरू, है ना, थ्योरी और सब एक साथ, ताकि जो उसके बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो जाए, है ना। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर इज नेवर नेगेटिव, निम्नलिखित में से किस पैमाने पर तापमान कभी भी नकारात्मक नहीं होता है, सेल्सियस, फारेनहाइट, रिमर और केल्विन, उत्तर दीजिए और सेशन को आप लोग शेयर भी करिए। अच्छा, केवल 50 क्वेश्चन की सीरीज चलाएं, अच्छा ठीक है, देखते हैं। इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा जो तापमान है सेल्सियस में नेगेटिव होता है, होता है, फारेनहाइट में होता है क्या, होता है, रूमर में होता है क्या, होता है, केल्विन में नहीं होता। केल्विन को दोस्तों हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन जब मेजर करते हैं टेम्परेचर को, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम तापमान, और जीरो केल्विन को कहते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मेरा प्रश्न आपसे ये है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन रूमर स्केल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन रूमर स्केल इज, अच्छा 5000 क्वेश्चन वाला क्यों बंद किया सर, जो वन लाइनर वाला है क्या, वो बंद नहीं हुआ है, संडे को नहीं हुआ था, इस संडे को, है ना, क्योंकि 15 अगस्त था, उसे करेंगे, है ना, 5000 वन लाइनर वाला चलेगा वो, भैर चाल ही तो नहीं चलना है, है ना। चलिए, हाँ बहुत अच्छे, वाटर का जो होता है ना 80 र्यूमर होता है ना, 80 र्यूमर होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड इज, है ना, कभी भी जो बिक्का, मतलब जो आपका लकड़ी के चम्मच से एक कप आइसक्रीम में डुबाया जाता है, तो इसका दूसरा छोर, लकड़ी का जो चम्मच है उसके बारे में पूछा जा रहा है। Becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, or does not become cold. मतलब आइसक्रीम का इज्जत तो रख लो, है ना, इतना आइसक्रीम खाया होगा, मतलब लकड़ी के चम्मच का तो इज्जत रख लो कम से कम, यहाँ पे मतलब इस सवाल में भी गलत। तो कहिए सर कि आइसक्रीम खाते समय बस खाने पे ही ध्यान रहता है, कौन चम्मच को कौन देखता है, वहाँ पर चम्मच ठंडा हो रहा है नहीं हो रहा है उससे क्या मतलब होता है वहां पे। चलिए खैर, हम लोग बात करते हैं दोस्तों, वहां पर याद रखिएगा लकड़ी का चम्मच इसलिए होता है ताकि वो ठंडा हो ही ना और आप आराम से आइसक्रीम का आनंद ले सके, ठीक है ना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है वत्सला जी, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा करने का। सर ये आइसक्रीम वगैरह सब छोड़ दिए अब नहीं पता, अच्छा अब क्या खिलाते हैं आप आइसक्रीम, खुद नहीं खाते आशीष जी, हैं। चलिए ठीक है, जूनियर में करंट किस मंथ तक की आएगी, प्लीज टेल मी, आएगी अगस्त तक की तो डेफिनेटली आएगी जयप्रकाश जी, है ना, तो अगस्त तक आप जैन से कवर कर लें, ठीक है अगस्त तक तो निश्चित ही आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, अगला सवाल है, अ फैन प्रोड्यूसेस ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट बिकॉज, अच्छा उम्र निकल गई आइसक्रीम खाने की, उसमें भी जीएस है, अच्छा हाँ वुड इज इंसुलेटर ऑफ हीट, बिल्कुल ठीक है, काम ही नहीं से, अच्छा ना खाते हैं ना खिलाते हैं कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों फैन की, फैन प्रोड्यूसर्स ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट बिकॉज, फैन सप्लाई कूल एयर, फैन ठंडा हवा देता है क्या, अच्छा द इवापोरेशन ऑफ स्वेट, फैन इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी इन एयर या फैन डिक्रीजेस द ह्यूमिडिटी इन एयर। देखो ये ना तो हवा को ठंडा करता है, ये बस क्या करता है ना
रूम के टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझिएगा ध्यान से, फैन क्या करेगा, रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्वेट है ना वो इवेपोरेट होगा, है ना, और उसके इवेपोरेशन से क्या होता है आपका, जो आपको ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं कौन सी आइसक्रीम खाता हूं? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन, कंडक्शन जो है मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है किसमें, लिक्विड्स में, सॉलिड्स में, गैसेस में, वैक्यूम में। हाँ, तो याद रखिएगा जो आपका कंडक्शन है, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर किसमें होता है, सॉलिड में। वैक्यूम में हीट ट्रांसफर किसके द्वारा होगा, बाय रेडिएशन यानी विकिरण के द्वारा। ठीक है, एंड लिक्विड एंड गैसेस में किसके द्वारा होता है, रेडिएशन से भी होता है, लिक्विड में खास करके याद रखिएगा कंडक्शन और कन्वेक्शन इससे होता है। ठीक है, सॉरी कन्वेक्शन और एडवेक्शन, नॉट कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन इससे होता है लिक्विड में। नेक्स्ट है, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कंपेयर टू ए वुडन टाइल ऑन ए विंटर मॉर्निंग बिकॉज द मार्बल टाइल, जब भी आप हीली एरियाज में जाओगे या कोल्ड एरिया में जाओगे ना, वहां पे जो आपके टाइल्स होते हैं ना घर के, वो किससे बने होते हैं, वुडन के बने होते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर अगर मार्बल का टाइल अगर लगाया जाएगा तो आप उस पर पैर ही नहीं रख पाओगे, है ना, इसलिए वहां पर वुडन का टाइल बनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो मार्बल का टाइल है इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन वुडन टाइल, इज पॉलिश्ड व्हाइल वुडन टाइल इज नॉट पॉलिश्ड, रिफ्लेक्ट मोर हीट देन वुडन टाइल्स, या फिर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल्स। तो यहां पर बच्चे, मतलब किसी एक ने सी जवाब दिया है तो सभी बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसा आप लोग क्यों करते हैं बताइए। यहां पर मार्बल टाइल के बारे में पूछा जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मार्बल टाइल जो है ना, ये एक बेटर कंडक्टर होता है हीट का वुडन टाइल की अपेक्षा। तो सवाल को ध्यान से पढ़िए थोड़ा, है ना, तभी उत्तर दीजिए। ऐसी बात नहीं करते हैं, ऐसे कॉपी नहीं करते हैं, है ना, ठीक है, जहां देखो कॉपी करना शुरू कर देते हैं। चलिए, तो सही उत्तर इसका क्या है, ऑप्शन ए इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन टाइल्स। अच्छा ये बताओ, मार्बल का क्या सूत्र होता है, मार्बल का क्या सूत्र होता है बताइए, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मार्बल। हाँ जी, मार्बल का क्या सूत्र होता है ये बताओ। मार्बल का सूत्र क्या है, CaCO3, वेरी गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल, पहेली एंड बूझो, मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर, पहेली फाउंड हर्स टू बी 98.6 डिग्री फारेनहाइट, बूझो रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। पहेली और बूझो ने अपना बॉडी टेम्परेचर क्या किया, मेजर किया। पहेली ने देखा कि उसके बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फारेनहाइट है, जबकि बूझो ने रिकॉर्ड किया तो 37 डिग्री सेल्सियस आया। बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पहली हैज ए हायर बॉडी टेम्परेचर देन बूझो, पहली हैज अ लोअर बॉडी टेम्परेचर देन बूझो, बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग रत्ना जी। इस सवाल की जब बात करते हैं, मैंने अभी अभी डिस्कस करा आपके साथ कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर या तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। इट मीन्स बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि दोनों का बॉडी टेम्परेचर जो है वो सामान्य है। नहीं, आप लोग सुना दीजिए, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, इन केस ऑफ डैश द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द सी, यानी कि किसके केस में, जो आपका किस केस में जो ठंडी हवा है वो मतलब जमीन से समुद्र की ओर क्या होती है, मूव करती है, बताना है आपको। अच्छा
अच्छा पहली बुझाई जाती है, सुनाई बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए इसका आप लोग उत्तर दीजिए। हाँ जब इस सवाल की बात करते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों भू समीर या लैंड ब्रीज कहते हैं। और ये कब होता है? ये रात में, नाइट। सी ब्रीज जब दोस्तों सी से लैंड की ओर हवा का मूवमेंट हो, और ये बात कब होती है दोस्तों? डे टाइम, इन डे, दिन में, ठीक है। वो ब्रीज, ब्रिज नहीं है चंदन जी, है ना, ब्रीज है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कुकिंग पॉट इज कोटेड ब्लैक बिकॉज ब्लैक सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब मोर हीट, ब्लैक सब्सटेंसेस रिफ्लेक्ट मोर हीट, ब्लैक सर्फेसेस आर इजियर टू क्लीन, है ना, द मटेरियल ऑफ द पॉट वुड नॉट बी डैमेज, है ना। कई को ये तीसरा ऑप्शन देख के ना मतलब आंख में आंसू आ गए होंगे, है ना, जिनको मतलब बर्तन धोना पड़ता होगा, है ना, कि काश ऐसा हो पाता, है ना। जितना काला होता है उतना मुश्किल होता है नहीं उसको साफ करना, है कि नहीं। चलिए खैर, इस सवाल की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो कुकिंग पॉट है ये काला इसलिए होता है ना क्योंकि ये क्या करता है, ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, है ना, काले पदार्थ अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आंसू नहीं निकालना है क्लास में, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करें हम लोग, यहां तक किसी को कोई तकलीफ? हाँ जी चलें आगे। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, इसलिए काले लोगों को ज्यादा गर्मी लगती है ना, गोरों को कम लगती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा हाँ, नॉन स्टिक का जमाना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ब्लॉक ऑफ आइस कैन नॉट रेडिएट हीट, कैन रेडिएट हीट बट कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट, कैन एब्जॉर्ब हीट बट कैन नॉट रेडिएट हीट, कैन रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब हीट। जो आइस का ब्लॉक होता है वो ऊष्मा का विकिरण नहीं करता, ठीक है, वो उस विकिरण तो करता है लेकिन अवशोषित नहीं करता, है ना, अवशोषित तो करता है लेकिन विकिरण नहीं करता, दोनों ही करते हैं, है ना, बताइए। तो देखो आइस का जो ब्लॉक है ना, याद रखिएगा ये हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और हीट को क्या करता है, रेडिएट भी करता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैन रेडिएट एज वेल एज एब्जॉर्ब हीट, दोनों ही काम करेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए सेशन को आप सभी बच्चे शेयर भी करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, व्हाट वुड हैपन टू ए होल इन ए मेटल सीट व्हेन द सीट इज हीटेड। कोई भी एक ऐसे मेटल है, मान लीजिए ये एक मेटल है, इसमें ऐसे एक होल है ऐसे छोटा सा, है ना, आप इसे हीट कर रहे हो, है ना, आप इस मेटल सीट को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। तो ये जो इसमें होल है इस पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका साइज डिक्रीज होगा, इसका साइज इंक्रीज होगा, कोई चेंज नजर नहीं आएगा, या पहले इंक्रीज होगा फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, बताइए। इस सवाल की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब भी कोई मेटल सीट है उसमें अगर होल होता है, अगर आप इसे हीट करते हो ना, तो उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर डिक्रीज वाले भी हैं। अरे चंदन जी कहाँ कहाँ से, मतलब कितने यशस्वी लोग हैं हमारे क्लास में बताइए। ये मतलब पूरा बता रहे हैं कि ये ठंडा होके ना एकदम पूरा बंद हो जाएगा ये सीट, ऐसा नहीं होता है, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होता है ना। करके देख लीजिएगा, है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट मुद्दे पर चलते हैं हम लोग। अगला मुद्दा है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। इसमें से कौन सबसे कम तापमान को दर्शाता है, सबसे कम तापमान को? 1 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, 1 डिग्री ऑन द कैल्विन स्केल, 1 डिग्री ऑन द फॉरनहाइट स्केल, या 1 डिग्री ऑन द रूमर स्केल? उत्तर दीजिएगा। अच्छा, बच्चों को यही नहीं मालूम आग क्या है, पानी क्या है। अच्छा, हम हंस रहे हैं इसलिए आप लोग का गलत हो रहा है उत्तर। हम हंसना बंद कर दें। हाँ, चलिए अच्छा है। इस सवाल की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, जो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट है, कैल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है ना, ये सबसे कम होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर 1 डिग्री ऑन द कैल्विन स्केल। और इसे अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? सेल्सियस में 1 डिग्री कैल्विन। बताइए। अच्छा, DSSP TGT के लिए फिजिक्स स्टार्ट कर दीजिए। PUG, देखिए अभी क्या है ना, अभी TGT में बायोलॉजी चल रहा है। जब तक बायोलॉजी PUG खत्म नहीं होगा ना, तब तक हम दूसरा विषय नहीं कर सकते हैं प्रारंभ, है ना? तो जैसे बायोलॉजी फिनिश होता है ना, फिर हम अवश्य करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, 1 डिग्री कैल्विन जो होगा वो सेल्सियस स्केल में कितना होगा, सेल्सियस में कितना होगा? तो याद रखिएगा, -272 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है ना? यही होगा ना? चलिए ठीक है, अगले सवाल पर चलें हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली, यानी कि उष्मा का सबसे अच्छा और सबसे खराब, मतलब चालक कौन सा है, सुचालक कौन सा, ये आपको बताना। हाँ जी बताइए, सभी लोग इसका उत्तर दीजिए कि बेस्ट एंड पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर रिस्पेक्टिवली सिल्वर एंड लेड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, या कॉपर एंड गोल्ड। बेस्ट एंड पुअरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है, तो बेस्ट तो देखिए सिल्वर है, एंड पुअरेस्ट इसमें क्या है आपका? लेड है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई टेम्परेचर। जब भी हमने हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? वेपो थर्मामीटर, या फिर एनर्जी मीटर, या फिर रेजिस्टेंस थर्मामीटर, या फिर पायरोमीटर? सी कैसे होगा? गोल्ड जो है मतलब इंसुलेटर होता है क्या हीट का, कुछ भी मतलब बोलना है। हाँ चलिए, इस सवाल की जब बात करते हैं ना दोस्तों, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो होता है, इसको हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन मैटर गेट्स वार्मर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन दैट मैटर। जब भी किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, यानी कि वार्म करते हैं, तो उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब वैसे ही स्थिर रहते हैं, ज़्यादा तेजी से फास्ट मूव करते हैं, धीमे धीमे मूव करते हैं, या फिर कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, है ना? तो जब भी देखो, अगर हम किसी मैटर को हीट करेंगे ना, तो उसके जो एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एनर्जाइज हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है, और एनर्जी जब मिलती है ना, तो वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा तेजी से मूव करने लगते हैं, तो यानी मूव फास्टर। ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड एज, यानी कि एनर्जी का वह रूप जिसके कारण हमें मतलब गर्मी का एहसास होता है, हॉटनेस का एहसास होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? वर्क यानी कार्य, हीट यानी उष्मा, एनर्जी यानी ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है,
तो दोस्तों याद रखिएगा, एनर्जी का वह रूप जिसके कारण हम हॉटनेस का अनुभव करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे उष्मा कहते हैं, है ना। और इस तीनों का ही दोस्तों ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, याद रखना है। तीनों का ही ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। एनर्जी क्या होता है दोस्तों, जो आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है ना वो क्या होता है, एनर्जी होता है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वर्क होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्य में जो परिवर्तन की दर होती है ना उसे क्या कहते हैं, उसे हम शक्ति कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। अच्छा ठीक है, कौन यहाँ आग लगा रहा है क्लास में, हाँ बताइए। अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड, यानी कि उष्मा की वह मात्रा जो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, एनर्जी कैपेसिटी, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इस सवाल की जब बात करते हैं तो इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, उष्माधारिता कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, हीट कैपेसिटी, या इसे थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, थर्मल कैपेसिटी भी इसी को ही कहते हैं। हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, हीट कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है, हीट कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है, चेंज इन टेम्परेचर, मास ऑफ बॉडी, या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए। सभी लोग इसका उत्तर दें। और कल दोस्तों हम लोग मिनरल्स देखेंगे 11 AM की क्लास में, और जो हमारा 1 बजे वाला क्लास होगा उसमें टीजीटी बायोलॉजी को देखेंगे, और फिर शाम में कल हमारा जो टॉपिक होगा कल इवनिंग में वो होगा वेव मोशन, है ना, वेव मोशन, टाइप्स ऑफ वेव, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग करेंगे। इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अच्छा, हीट कैपेसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है बता सकते हैं, हीट कैपेसिटी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं भागलपुर में रहता हूँ, है ना, वर्तमान में अभी, बिल्कुल ms delta t, क्या होता है ms delta t, जहाँ पर m क्या होता है मास, s इज स्पेसिफिक जो आपका हीट जो होता है वो, s और डेल्टा t क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट उष्माधारिता। इसका दोस्तों ऐसा यूनिट क्या है, काफी अच्छा सवाल है ये, कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, इसका आप लोग उत्तर देंगे, है ना, कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, जब भी विकिरण के माध्यम से हीट का ट्रांसफर होता है तो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रिक्वायर एनी मीडियम, डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेस, या रिक्वायर एनी स्पेस, कहा जा रहा है जब भी हीट का मतलब ट्रांसफर होता है रेडिएशन के द्वारा, तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा, वो नहीं होता है चंदन जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट वो नहीं होता है, अभी आगे सवाल आएगा, चिंता मत करिए आप, ठीक है। इस सवाल की जब बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है, वैक्यूम में भी इससे हीट ट्रांसफर हो सकता है। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, पीकोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, या थर्मोमीटर, नहीं दे सकते आशीष जी, है ना, ये है ना, कुछ देर आर सम प्रोटोकॉल्स, है ना, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए हम लोग जब बात करते हैं इस सवाल की, तो याद रखिएगा जो बैरोमीटर होता है ना, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और बैरोमीटर को डेवलप किसने किया था? वो किया था ई टार्सली ने। मैनोमीटर जो होता है, इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं? गैसों का प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैसेस। एंड थर्मोमीटर, इससे हम लोग हॉटनेस और कोल्डनेस। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, वाटर पाइप्स इन विंटर बर्स्ट इन कोल्ड कंट्रीज ड्यू टू। वाटर की जो पाइप है ना, वो ठंडी में जम जाते हैं। कभी ऐसा करना, देखो अगर इसका वो करना है ना, मतलब घर पे प्रैक्टिकल करना है, ये करो कि एक बॉटल ले लो प्लास्टिक का, है ना, प्लास्टिक का ही बॉटल ले लो, और उसके बाद उसमें पूरा एकदम कंप्लीट पानी फिल कर दो, और उसके बाद तुम डीप फ्रीजर में डाल दो, ठीक है। डाल के देख लो रात भर, है ना, छोड़ दो, देखना कैसे, मतलब बॉटल जो होता है ना, वो कभी कभी फट जाएगा आपका, है ना। इस सवाल की जब बात करते हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? हाई प्रेशर के कारण नहीं, लो प्रेशर के कारण, ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आगे चलूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ थर्मल कैपेसिटीज, थर्मल कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल कैल्विन, जूल किलोग्राम प्रति कैल्विन, जूल पर कैल्विन, या जूल पर एम, है नहीं? यहां पर एम का मतलब है मीटर। बताइए थर्मल कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? तो चंदन जी, आपका सवाल यही था उस समय, तो इसका दोस्तों सही उत्तर है सी, जूल पर कैल्विन, ये थर्मल कैपेसिटी का यूनिट होता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल, योर हैंड्स फील्स कोल्ड व्हेन यू होल्ड एन आइस क्यूब। जब आप आइस क्यूब को हाथ में ऐसे पकड़ते हो, हाथ में आइस क्यूब को, हिम्मत चाहिए उसके लिए, है ना, खास करके ठंडी के समय में, तो क्या होता है? द आइस रेडिएट्स कोल्ड टू योर हैंड। आइस जो होता है वो ठंडी को आपके ही हाथ में क्या करता है? रेडिएट करता है, विकिरित करता है। द आइस कंडक्ट्स कोल्ड टू योर हैंड, यानी जो आइस है वो ठंडा जो है, ठंड को आपके हाथ में कंडक्ट कर रहा होता है। योर हैंड्स कूल्स डाउन बाय कन्वेक्शन, आपका हाथ कन्वेक्शन के द्वारा कूल डाउन हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है, या फिर योर हैंड ट्रांसफर्स थर्मल एनर्जी टू द आइस, आपका जो हाथ है वो आइस को थर्मल एनर्जी ट्रांसफर कर रहा होता है, इसलिए आप ठंडा महसूस करते हैं। बताइए, चलिए सभी बच्चे यहाँ पर डी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नमिता जी, आप अभी अभी जुड़ी हैं लग रहा है। यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपका जो हाथ है ना वो ट्रांसफर करता है थर्मल एनर्जी किसे? हीट को, मतलब किसे? आइस को, इसलिए आप जो है, आपका हाथ जो है ठंडा महसूस करता है, ठीक है। अच्छा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चूस लेता है, अच्छा जी। चलिए ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लोग सेशन को, सभी बच्चे लाइक करते हुए जाएंगे, शेयर करते हुए जाएंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड ये हमारा कोड है, अब इस कोड को यूज़ कर लेंगे अगर आप अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अगर किसी का कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग, चलिए माफ़ी चाहते हैं इस चीज़ के लिए हम, है ना। हाँ बस हो गया, आज इतनी जल्द, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम मिलेंगे कल। कल के सेशन में न्यूमेरिकल्स भी होंगे लगभग 8-10, और ठीक ठाक न्यूमेरिकल होंगे, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट टू एवरीवन, थैंक यू।